बेरोजगारों की बात कर लेते हैं। बेरोजगारों की 21 सूत्रीय मांगों से जुड़ा मामला है। आखिरकार 51 दिनों के बाद बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल को वार्ता का लिखित निमंत्रण मिला है। उपेन यादव के नेतृत्व में आज शाम 4 बजे अधिकारियों से वार्ता होगी और अधिकारियों से वार्ता के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता होगी और अब बेरोजगारों के आंदोलन का हल निकल सकता है, रास्ता निकल सकता है। पिछले 8 दिनों से मांगों को लेकर लखनऊ में भी चल रहा है आंदोलन। वार्ता के निमंत्रण के बाद बेरोजगारों ने लखनऊ आंदोलन को स्थगित किया था। बेरोजगारों ने लखनऊ आंदोलन स्थगित करते हुए राजस्थान रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त बेरोजगारों के लिए राहत की खबर सामने आई है। प्रतिनिधिमंडल को लिखित में वार्ता का निमंत्रण मिला है। पिछले कई दिनों से लखनऊ कार्यालय के बाहर बेरोजगार डटे हुए थे अपनी मांगों को लेकर और अब ये राहत की खबर सामने आई है कि प्रतिनिधिमंडल को लिखित में वार्ता का निमंत्रण दिया गया है। और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, क्या मांगे हैं बेरोजगारों की वो आप देखिए। और सीएम गहलोत से अब बातचीत होगी प्रतिनिधिमंडल की बेरोजगारों के। कुल मिलाकर कई दिनों से बेरोजगार डटे हुए थे कांग्रेस कार्यालय के बाहर और अब हल निकल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है इस खबर से जुड़ी। और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी ललित। ललित देखिए आखिरकार कहा जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि रास्ता निकाला जा सकता है सरकार के जरिए इस पूरे मामले का, फिलहाल अपडेट क्या आपके पास? राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है कि रात को 2 बजे इस जो आंदोलन चला रहा था उसका कहीं हल्का हल निकलता हुआ नजर आया है। रात को एक मैराथन वार्ता का दौर चला जिसके बाद लिखित में कार्मिक विभाग को रात को 2 बजे लिखित में आदेश निकालना पड़ा जिसमें बेरोजगारों को वार्ता के लिए बुलाया गया। शाम को 4 बजे सचिवालय में वार्ता होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शाम को वार्ता का प्रस्तावित रखा गया है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री से वार्ता का समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री से भी आज ही वार्ता होगी। इसके साथ ही जो फोन पर बेरोजगारों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा, ऐसे में बेरोजगारों ने लखनऊ से पिछले 8 दिनों से चले आ रहे अपने धरने और अनशन को समाप्त करते हुए राजस्थान कूच कर दिया है। आज शाम को उपेन यादव के नेतृत्व में 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलेगा। ठीक है, कुल मिलाकर शाम का 4 बजे का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि आंदोलन इस पूरे मसले का हल निकल जाए क्योंकि कई दिनों से बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और आज शाम अधिकारियों से बातचीत होगी प्रतिनिधिमंडल की। शुक्रिया आपका ललित, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए ललित आपका। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 2 वार्ड में उपचुनाव है।